सो गाइस फाइनली रोड इज स्टार्ट हो चुका है। एम टी वी पहुँच चुका हूँ कॉलेज में 35। वेट कर रहे हैं, अभी तो टाइम बहुत है, अभी तो 1 बजे 1:30-2 बजे। फ़ोन तुम्हारी जिम्मेदारी, कहीं भी छोड़ के जाओ। तो मैंने एक गार्ड को दे दिया था फ़ोन और 200-300 रुपये देने पड़े मुझे। तो प्रिजनर रूल लगे हुए जैसे रोड इज देख रहा हूँ मैं, देख रहे हो ना, मैं रोड इज नहीं देखता एग्ज़ाम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो मैं साहिल के यहाँ पे आया था अपना, वही है बस, अपनी पैंट दी थी ना रात को ही ने साहिल के यहाँ पे, मैंने कहा भाई मैं सुबह ले लूँगा, तो वही जस्ट लेने आया था। 1 मिनट रुको जरा यार, तो वही लेने आया था, तो वो लेने आया हूँ। और बाकी अपना जिम हो गया, मम्मी को छोड़ा, सब डन हो चुका है, बस अपनी पैंट उठाते हैं फिर यहाँ से चलते हैं, क्योंकि 9:15 के लगभग हो रहे हैं, 9:20। तो मैं अब जल्दी चल रहा हूँ, अपनी पैंट वैंट उठा के मैं चलते हैं, ठीक है। साहिल नाम जा रहा है, एसी तो यहाँ पे चलाने की इस टाइम ज़रूरत भी नहीं पड़ रही, देखते हैं क्या कुछ है खाने को या नहीं है। आम आम तो रखे भाई, चलो आम का खाना और बाकी तो कुछ है नहीं। ये जी पैंट है, मैंने कल गलती से इसके बैग में आ गई थी, मैंने कहा भाई फिर प्लेस कर दियो, फिर मैं ले जाऊँगा। क्यों बस निकल लो यार, अभी भी ये लगवाना है स्टेबलाइजर, हमारे इसी में स्टेबलाइजर नहीं लगा, बट चलते हैं गाइस। गाइस यहाँ से चलते हैं फिर अपना घर जाके मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सीधे ना आऊँगा, रेडी वेडी होऊँगा ऑफिस के लिए, शाम को दोबारा वर्कआउट करना है। मैं सोच रहा हूँ जिम तो जा ही ना हूँ सुबह, लेकिन शाम को भी एक वर्कआउट करूँ कि थोड़ा अपने आप को डिसिप्लिन और ज़्यादा मिले, क्योंकि फ़र्क दिख रहा है, फिर कुछ खा लेता हूँ फ़र्क बेकार हो जाता है इस चक्कर में, ठीक है। तो होप करते हैं कि करेंगे कुछ ना कुछ, और बाकी बने रहे ब्लॉग में, न्यू थिंग दिखेंगी। आज तो मुझे बाहर जाना है, ऑफिस में रहना नहीं, पूरा बाहर ही बाहर जाना, लैपटॉप लेना सर से, और बाकी फिर कल मेरा एग्ज़ाम है। गाइस बेस्ट ऑफ लक, वो ऑल द बेस्ट लिख दो कमेंट में कल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। कल ब्लॉग आ जाएगा तो ऑल द बेस्ट लिख दे रहा, 2 से 5 का है, हाँ बे नंगली बुना है, इतनी दूर है यार, बाकी ठीक है, मिलता है थोड़ी बहुत देर में ना। ठीक है, मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ ऑफिस के लिए, बस थोड़ी बहुत देर में निकलता हूँ ऑफिस के लिए, और अपना मुझे बाहर ही जाना है आज, तो दिखाता हूँ क्या क्या होता है, और बाकी बहुत कम शूट हो पाएगा क्योंकि बाहर थोड़ा रास्ते की तो नहीं हो पाएगी, बट कोशिश करूँगा मैं आपको जरूर से जरूर दिखाऊँगा, ठीक है। आपको अपनी बाइक दिखाया था, मेरी बाइक और धूप देखो बहुत तेज, अरे ये विक्रांत खड़ी है, इस पर देखो धूप कितनी पड़ रही है। सो गाइस मैं घर पे आ चुका था, 5:30 कितना टाइम हो रहा है, 6:30 हो रखे हैं, तो दी नेक्स्ट डे। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल, और ये नेक्स्ट डे है, कल का व्लॉग मैं शाम को कंटिन्यू नहीं कर पाया, मैं बाहर गया, फिर मैंने कुछ दिखाया दिखाया नहीं, क्योंकि मैं जैसे आया 6 बजे करीब, फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गया था, क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम, तो 2 बजे पहुंचना मुझे सेंटर पे, तो मैं 12 बजे यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि थोड़ा 30-35 मिनट का रास्ता है, और फिर कहीं रश वगैरह मिल गया तो दिक्कत है, तो यहाँ से निकलूँगा, फिर वहाँ पहुँच के पेपर वेपर दे के फिर आपको डायरेक्ट पहले भी तैयार होकर मिलता हूँ, फिर शाम को मिलूँगा, ठीक है। तो ये गाइस मैं रेडी वेडी हो चुका हूँ एग्ज़ाम के लिए, 8 बज रहे हैं 11:30, बस थोड़ी बहुत देर में मतलब मम्मी भी रेडी हो रही है, मम्मी को छोड़ना खजूरी, फिर वहाँ से अपना पेपर देने। और गाइस बेस्ट विशेस कर दो कमेंट बॉक्स में, और
क्या कहते हैं कि पेपर मेरा अच्छा जाए, बाकी फुल प्रिपरेशन है, देखो क्या होता है। ठीक है तो गाइस जाता हूँ, फिर पेपर वेपर देखे फिर आपको शाम को मिलता हूँ। ठीक है आपसे शाम को मिलता हूँ। और गाइस सब्सक्राइबर 166 हो गए, 167 हुए थे फिर एक घट गया, कोई बात नहीं 166 हो गए तो बस और बढ़ाने। ठीक है तो गाइस मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में। तो गाइस निकल चुका हूँ पेपर देने के लिए, सिग्नेचर पे हूँ, अगर चल रहा हूँ अपना वहीं जाके मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ कॉलेज में, घड़ी बाइक वेट कर रहे हैं, अभी तो टाइम बहुत है, अभी तो एक ही बजे 1:30-2 बजे। गाइस पेपर करके निकल गए हैं, अब घर जा रहे हैं। मम्मी बंद कर लो यार आवाज़। तो गाइस फाइनली हम देख रहे हैं रोड। तो हे गाइस मैं पेपर वेपर दे के आ चुका था, मैगी खा रहा था दिन में, मूवी वगैरह देख रहे थे, तो अब रेडी हो चुके हैं। मतलब मामा ने बुलाया था, मामा को बाइक चाहिए थी, तो मामा कह रहे थे जरा आ जा, तो कन्हैया तक उन्हें बाइक दे के पैदल आया था। तो मैंने कहा थोड़े व्लॉग में व्यूज भी बता दें। तो गाइस मैं जहाँ पेपर, हर्षी एक मिनट आवाज़ कम कर लियो। तो गाइस जहाँ मैं पेपर देने गया था ना, तो वहाँ का माहौल तो सही था, सारा फैक्ट्री एरिया है, ऐसा लग रहा था गांव में ही हूँ। बट एक दिक्कत और हो गई है, ये मैंने दुनिया का पहला सेंटर देखा, दुनिया का क्या बोलूँ, जो मेरे जो मैं कोर्स कर रहा हूँ बीकॉम, उसमें ऐसा पहला सेंटर देखा। कह रहे हैं बैग अलाउ नहीं है, फ़ोन तुम्हारी जिम्मेदारी, कहीं भी छोड़ के जाओ। तो मैंने एक गार्ड को दे के गया था फ़ोन, और 200-300 रुपये देने पड़े मुझे। अब सोचो हर पेपर में ऐसे देने लगा तो मैं तो हो गया काम। इतने लोग वो है ना कि भाई पैसा चाहिए, पैसे से मतलब है। अब वो ये भी नहीं पता था कि मैं बाहर निकलता तो वो निकलता, वो मुझसे कह रहा भाई पैसे तो जब ही लूँगा रखूँगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं होती। तो उसने 300 मांग के 500 रहा था, कह रहा भाई ये हो 300। फिर मैंने कहा भाई 100 रुपये दूंगा, मैं 100 रुपये ले ले, कह रहा भाई ऐसे तो फिर गायब हो जाता, मैं गायब हो जाता तुम क्या कर लेते, ये है वो फलाना ढिंगाना। फिर मैंने कहा यार तू ले, 200 रुपये दिया मैंने कहा, दिल तो बहुत दुखा इतना, तो मैं गया हूँ समझ लो मुश्किल से मुश्किल 26 या 27 किलोमीटर होगा। ठीक है जाना आना 100 रुपये का तेल मान लो। ठीक है मैंने वहाँ पानी पिया था 2-6 रुपये का बस, इतना तो मेरा एक्सपेंस नहीं बैठा जितना फ़ोन का बैठ गया। अब अगली बार क्या करें भाई, फ़ोन ना ले या कोई जगह देखता हूँ बाइक में रखने की, पहले से रख लूँगा बाइक वाइक में। और मतलब अब मैं सोच रहा था ना कि स्कूटी होनी चाहिए थी, हेलमेट भी आ जाता और वो भी आ जाता, फ़ोन में कोई दिक्कत ही नहीं होती। या तो फ़ोन छोड़ के जाना पड़ेगा या उसे ऐसी जगह रखना पड़ेगा किसी को पता ना चले। बाइक का तो कोई दिक्कत नहीं थी, कॉलेज के सामने थी, लोग वेट भी कर रहे थे, तो चोरी वोरी का कोई डर नहीं। बट थोड़ा सा उस पर लग रहा मुझे कि यार कैसे कैसे लोग हैं पैसों के लिए, ज़रा से पैसों के लिए। और पता नहीं कितने बच्चों को उन्होंने डरा दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। बच्चे कोई कोई महंगे महंगे फ़ोन लेके आए हुए थे, मेरे तो चलो नॉर्मल सा 12-15 हज़ार वाला 12, और जो बंदे हैं वो कोई आईफोन लाया देंगे वो तो 500 रुपये देंगे सीधे। यार कसम से कैसे कैसे लोग हैं। तो गाइस छोड़ो ये सब बातें, अब अगली बार से कुछ अपना जुगाड़ करते हैं 6 तारीख का पेपर। सो मैं बताने वाला था, कल है संडे, कल देखता हूँ ऑफिस को, हमसे कहीं जाना है तो ठीक है वरना कोई दिक्कत नहीं। और बाकी अब अपना इन्जॉय तो चल ही रहा है, इन्जॉय क्या, पेपर बहुत मस्त आया था। ठीक है सर, प्री न्यू ईयर का पेपर था, ठीक है तो मेरा फाइनल ईयर है ये, तो अब इसमें 9 सब्जेक्ट हैं, ये 9 सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं ग्रेजुएशन हो जाऊँगा। ठीक है ग्रेजुएटेड हो जाऊँगा, वैसे मुझे आगे भी कुछ करेंगे। ठीक है तो गाइस पेपर बहुत मस्त गया, बहुत अच्छा गया, क्योंकि जो जो मुझे पता था ना, मतलब मैंने लास्ट टाइम पे ही पढ़ा है इसके बारे में, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, क्योंकि एक टॉपिक था, टॉपिक को ही सब्जेक्ट बना दिया उन्होंने। अब एक टॉपिक पे कितना लिख लेगा, अब उसी के ऊपर सारे क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आए थे, कोई 5 करने थे, तो मैंने मुझे 2-3 तो ईजी लगे और 2 मैं बस ऐसे करके आया हूँ, मतलब पता था लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, लेकिन 3 तो ऐसे हैं बिल्कुल करेक्ट जाएंगे,
60 नंबर कहीं नहीं गए, 50-60 नंबर कहीं नहीं गए, और मेरे को तो नंबर मैटर करते हैं। तो सारे क्वेश्चन अच्छे गए हैं, पर दो क्वेश्चन में थोड़ा सा डर है, मतलब नंबर तो 10-12 तो मिल ही जाएंगे दोनों में, 10-10। तो बाकी 100 नंबर का पेपर था, 2 घंटे का था पेपर, हाँ 3 घंटे उस पर लिखा हुआ था हर पेपर में, 2 घंटे का पेपर था। तो अपना 15-20 मिनट पहले आ गए थे, फिर मैं पहले जानबूझ के करके आया, 2 बजे जैसी 2:15 बजे जैसी पेपर स्टार्ट हुआ, मैं बहुत तेज़ी से लिखा, मैंने कोई बात नहीं, 3:20 में बाहर, कि अपना मेरा बैग कहीं पड़ा हुआ, हेलमेट कहीं पड़ा हुआ, चुपचाप उठाया कि भाई मेरा कोई फ़ोन ना उठा के ले जाए, इसलिए मैं जल्दी आया, लेके बाइक वाइक लेके मैं तुरंत घर आया, मुझे 20 मिनट लगे मैं घर आ गया, 4 बजने में 10 मिनट तक मैं घर आ गया। फिर मैंने हमने मूवी भी देखी, मतलब मूवी की आधी देखी, नेट ख़त्म हो गया इतने में, बाकी रोडीज आया था, रोडीज का न्यू सीज़न आया था वो देखा था मैंने, करमिया कांड। मेरे को जब से इन्होंने रणविजय को हटा दिया थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा रोडीज, बट मैंने कहा चल कोई नहीं देख लेंगे भाई, अपने तो प्रिंस नरूला भी फेवरेट है, मैं तो प्रिंस नरूला की वजह से रोडीज देख रहा हूँ, मैं देख रहे हो, वरना मैं रोडीज नहीं देखता, एग्ज़ाम चल रहे हैं मेरे, बट मैंने कहा चल कोई बात नहीं, सैटरडे संडे एक एक घंटा दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, जैसे पढ़ाई को दे रहे हैं ऐसे इसको दे देंगे, ठीक है। सो गाइस मिलते खाना वाना खाने के टाइम पे, मैं थोड़ा सा अपना ऊपर जाता हूँ, पढ़ाई वढ़ाई करता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है, मिलता हूँ थोड़ी बहुत देर में, ऑल सेट। सो गाइस क्राइम पेट्रोल चल रहा है, ठीक है। सो गाइस खाना वाना सब डन हो चुका है, और टीवी पे हमने यूट्यूब पे वो खोल रखा है, क्राइम पेट्रोल का सीज़न देख रहे हैं, मतलब 2023 का ही, मामा भी आए हुए हैं, तो अपना थोड़ी देर मतलब 1-2 बजे तक देखेंगे, फिर सोएंगे क्योंकि कल छुट्टी है। सो गाइस अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं लड्डू गोपाल को सुलाया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।